गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ रहे थे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने एक साथ दो कैरेक्टर को लेकर चले थे। वो दो कैरेक्टर कौन कौन से थे? येलो राउंड और आपका दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन, दो कैरेक्टर को लेकर चले थे, है ना। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो ले लेते हैं पहला कैरेक्टर येलो, येलो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और राउंड कैपिटल आर वाई वाई आर आर, और दूसरा कैरेक्टर क्या लेके चले थे आपका ग्रीन रिंकल्ड। इन दो प्लांट का क्रॉस कराए थे, उनको एफ वन जनरेशन में जो प्लांट पैदा हुए थे वो सारे के सारे प्लांट क्या थे एफ वन जनरेशन में? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स पैदा हुए थे, ठीक है। इतना तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ये कैसा प्लांट था? येलो राउंड। ये प्लांट जो था वो था येलो राउंड, और इसका क्रॉस आया था किससे? ग्रीन रिंकल्ड प्लांट से। ग्रीन रिंकल्ड प्लांट से कराया था। इन दोनों बीच में क्रॉस हुआ तो डोमिनेंट कौन था? ये था। इसलिए F1 जनरेशन सारे प्लांट्स कैसे पैदा हुए थे? येलो राउंड पैदा हुए थे। इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया F2 जनरेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, F1 जनरेशन सारे प्लांट येलो राउंड हुए, लेकिन जब F2 जनरेशन में इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इसमें से कितने के तरह के प्लांट पैदा हुए? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी के साथ क्रॉस कराया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक को मेल कंसीडर किया एक को फीमेल कंसीडर किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन में कितने तरह के गैमेट बनेंगे? तो गैमेट देख लेंगे, गैमेट में दो दो आएंगे ना इस बार, तो गैमेट कैसे कैसे बनेगा देख लेते हैं। पॉसिबल गैमेट की गिनती बताइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर पहला गैमेट, दूसरा गैमेट कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा गैमेट स्मॉल वाई कैपिटल आर, और चौथा गैमेट बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं। सेम टू सेम यहां पर भी कितने पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं? यही चार होंगे, यही सेम कॉम्बिनेशन है ना, सेम चार गैमेट बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार कॉम्बिनेशन के गैमेट बने, चार मेल गैमेट चार फीमेल गैमेट, आठ गैमेट बन गए, चार चार दोनों। तो इनके बच्चे कितने तरह के पैदा होंगे? फोर मेल गैमेट है फोर फीमेल गैमेट है, तो मैक्सिमम कितने तरह के आपके प्लांट बन सकते हैं? कॉम्बिनेशन करिए, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लांट बनेंगे। एक बॉक्स बनाकर इसको समझते हैं, पुन्नेट बॉक्स बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये चेकर बोर्ड बन गया आपका, इसमें कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर एंड फाइव, इधर भी पांच बना लो कॉलम, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फाइव जा, हाँ ऐसे कॉलम बना लेंगे। इधर हम गैमेट रख देते हैं, ये वाले गैमेट को लिख देते हैं ऊपर, तो ये वाले गैमेट को एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, हम मेल गैमेट को ऊपर रख देते हैं, देखते हैं यहां पर रख देते हैं वाई आर पहला गैमेट, इसको यहां रख देते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसको यहां रख देते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा स्मॉल वाई स्मॉल आर। फीमेल गैमेट को इस तरफ लिख लेते हैं, तो फीमेल गैमेट को ऐसे लिख लेते हैं, किधर लिख लेते हैं? इधर पे लिख लेते हैं, सेम है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार गैमेट है, एक तरफ फीमेल गैमेट लिख दिए एक तरफ फीमेल गैमेट लिख दिए। अब इनका क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करने का सबसे आसान तरीका जिस बॉक्स में खड़े हो उससे ऊपर तरफ एक बार देखें और एक बार लेफ्ट साइड देखें, ठीक है लेफ्ट राइट क्या है लेफ्ट साइड देखें, हाँ तो आप यहां पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखें और इधर की ओर देखें, जो दिखे लिख दीजिए। ऊपर की ओर कैपिटल वाई, इधर देखिए कैपिटल वाई दो बार कैपिटल वाई, और ऊपर कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर कैपिटल आर दो बार। इस वाले बॉक्स में रखें अपने आप को, जल्दी से बोले क्या होगा? ऊपर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल आर, इधर
कैपिटल आर, तो कैपिटल को पहले लिखते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां रखें बाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, इसमें रख के देखिए कैपिटल वाई ऊपर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे सारे बॉक्स जल्दी जल्दी भर दीजिए, जब सबको आ रहा है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, लास्ट बॉक्स में स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कॉम्बिनेशन आपको देखने मिला, कितने प्लांट बने, 16 प्लांट पैदा हुए, 4 गैमेट इधर थे 4 गैमेट इधर थे, इनके क्रॉस कॉम्बिनेशन से आपके 16 कॉम्बिनेशन पैदा हुए। इनमें से देखेंगे 16 कॉम्बिनेशन में से आपसे कोई पूछे कि ये प्लांट कैसा होगा, दो कैपिटल वाई है मतलब दो कैपिटल वाई में कौन सा कलर आएगा, येलो कलर आएगा, दो कैपिटल आर मतलब राउंड शेप का होगा तो येलो राउंड होगा, इस प्लांट को कोई पूछे दो कैपिटल वाई मतलब येलो होगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, राउंड भी है और रेक्टेंगल भी, तो कौन सा होगा राउंड होगा, मतलब येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, तो देख सकते हैं सारे प्लांट येलो राउंड है, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, इसको देखेंगे येलो राउंड, ये येलो और दो स्मॉल आर हो गए तो रिंकल्ड हो गया येलो रिंकल, ये प्लांट अलग मिला येलो रिंकल, अभी तक जितने प्लांट थे सब येलो राउंड थे, ये भी येलो राउंड है, ये प्लांट अलग है, ये कैसा हुआ येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल दो मिल गए, इस प्लांट को देखिए येलो राउंड, ये भी येलो राउंड है, जितने प्लांट अभी तक मिले सब येलो राउंड मिले, ये भी येलो राउंड है, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट कैसा है ग्रीन होगा, दो स्मॉल वाई है तो ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड है, ये देखिए दो स्मॉल वाई ग्रीन राउंड, ये कौन सा होगा येलो राउंड, ये भी येलो और रिंकल्ड होगा, तो येलो रिंकल, येलो रिंकल प्लांट कितने मिले, 1 2 3 प्लांट आपको येलो रिंकल मिले, ये प्लांट कैसा होगा ग्रीन कलर का होगा और राउंड होगा, ग्रीन राउंड प्लांट आपको 3 मिले, और ये लास्ट वाला प्लांट देखिए ये कौन सा है ग्रीन रिंकल्ड प्लांट है, ये एक प्लांट इकलौता मिला, तो आप देख सकते हैं आपको येलो राउंड प्लांट कितने मिले आपसे पूछा जाए तो येलो राउंड प्लांट आपको 9 मिले, फिर आपसे पूछे कि आपको येलो रिंकल प्लांट कितने मिले, येलो रिंकल प्लांट 3 मिले, गिन लीजिए, और आपसे कोई पूछे ग्रीन कलर के राउंड प्लांट कितने मिले, ग्रीन राउंड प्लांट ये भी 3 मिले, और फिर पूछे आपसे ग्रीन रिंकल्ड प्लांट कितने मिले, तो ये प्लांट सिर्फ 1 मिला, इसलिए आपसे कोई पूछे रेशियो क्या आया तो यहां पर रेशियो आया 9:3:3:1, इस रेशियो को कहते हैं 9:3:3:1 का रेशियो कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 9 प्लांट कौन से येलो राउंड, ये पैरेंट कैरेक्टर था कि नहीं था, हाँ पैरेंटल कैरेक्टर था, येलो राउंड पहले से थे, ये 9 प्लांट येलो राउंड पहले से थे धरती पर, ये ग्रीन रिंकल प्लांट पहले से थे कि नहीं थे, हाँ ग्रीन रिंकल प्लांट भी पैरेंटल प्लांट है, ठीक है दोनों तो पुराना कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप देखेंगे येलो रिंकल प्लांट कोई नहीं था, कोई भी प्लांट येलो के साथ रिंकल नहीं था और ग्रीन के साथ कभी राउंड नहीं था, ये दो प्लांट जो आपको मिले ये नए करेक्टर आपको देखने मिले, इसका मतलब क्या हुआ आपका इस दोनों ये दोनों जो है येलो के साथ रिंकल आ गया
मतलब येलो के साथ हमेशा राउंड नहीं रहता है, कभी कभी येलो के साथ रिंकल भी आ सकता है, और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल नहीं रहता, कभी कभी राउंड भी आ सकता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो न्यू कॉम्बिनेशन पैदा हुए। कौन से दो न्यू कॉम्बिनेशन पैदा हुए? 3:3, ये न्यू कॉम्बिनेशन पैदा हुए। और ये इस बात को प्रूफ करते हैं, इस मंडल के इस रूल को, यही दोनों प्लांट प्रूफ कर रहे हैं कि आपका येलो करेक्टर जो है वो राउंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, और ये ग्रीन का करेक्टर रिंकल के साथ डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। इसीलिए इस नियम का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने कहा असॉर्टमेंट के समय में कोई कहीं भी जा सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं होगा कि जहां ग्रीन जाएगा वहां रिंकल भी जाएगा ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जहां येलो जाएगा वहां पे राउंड जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए कहा कि ये डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए इस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को असॉर्टमेंट को प्रूफ करने के लिए कौन सा रेशियो काम करता है, तो आंसर होगा 3:3 का रेशियो। ये इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करते हैं ये दो प्लांट। कौन से दो प्लांट? येलो रिंकल और ग्रीन राउंड प्लांट। अगर ये डिपेंडेंट होते तो ये प्लांट धरती में पैदा ही नहीं होते, ऐसा कोई प्लांट पैदा होना ही नहीं चाहिए था। येलो के साथ हमेशा राउंड होना चाहिए था और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल होना चाहिए थे, ये दोनों प्लांट नहीं आने चाहिए। मतलब ये समझ में आया कि ये इनका फिक्स जोड़ी नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तो साथ में ही रहेंगे जिंदगी भर, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोड़ भी सकते हैं दूसरे का हाथ साथ। तो यही बोल रहा है कि येलो का साथ रिंकल भी दे सकता है और येलो का साथ राउंड भी दे सकता है, सब फ्री है, इंडिपेंडेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में मेंडल का यही लॉ रहा। ये फिनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो है, 9:3:3:1, ये फिनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप रेशियो करेक्टर पर बेस है, ये नाइन प्लांट आपके ये है ये है ये है, करेक्टर पर बेस है, इसलिए फिनोटाइप रेशियो है। तो आपसे कोई पूछे 9:3:3:1 का रेशियो कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है। तो आपसे कोई जीनोटाइप रेशियो पूछ बैठे कि बताइए मेंडल के थर्ड लॉ का जीनोटाइप रेशियो क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जीनोटाइप रेशियो क्या था, तो आप याद रखिएगा 1:2:2:4:1:2:1, मात्र इतना सा याद कर लेना, ये जीनोटाइप रेशियो है। ये रेशियो क्या है इसका? जीनोटाइप रेशियो है। अगर हम देखें कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल बार कैपिटल आर, ये कितने प्लांट होंगे, ये वाले प्लांट कितने होंगे, ऐसे करके अगर हम रेशियो निकाले, अलग अलग जीनोटाइप रेशियो निकाले, तो इतने तरह कॉम्बिनेशन दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तरह का कॉम्बिनेशन है यहां पर। आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा, 9 टाइप के कॉम्बिनेशन है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर सिर्फ एक ही प्लांट होगा पूरे इसमें, देख लीजिए और कहीं नहीं होगा। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन आपको दो जगह देखने मिलेगा, एक यहां पर है और एक और कहीं देखने मिलेगा यहां पर, दो जगह। तो जीरो टाइप रेशियो निकालेंगे तो आपका जीरो टाइप रेशियो आएगा 1:2:2:4:1:2:1:2:1। याद रखने का तरीका भूल जाएंगे आप, तो 12 याद कर सकते हैं ऐसे, याद कर दो दो की जोड़ी जोड़े में याद करिए, 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1, आसान सा तरीका ऐसे याद हो जाता है, हमने ऐसे ही याद किया है, 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1, ऐसे याद कर सकते हैं, आसान सा तरीका है। एक बार 12 याद करिए, फिर 24, फिर 12 12, फिर 1, लास्ट में 1 है, तो 12 24 12 12 1, ये जीनोटाइप रेशियो है मेंडल के थर्ड लॉ का, इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। और इसके बहुत सारे कंट्रोवर्सियल, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसा रहा ये लॉ जो है, इसके कई सारे आपके कंट्रोवर्सियल एक्सेप्शन रहे हैं, ठीक है। इसके इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। लिंकेज जब भी होगा तो इनका ये रूल्स मंडल का लॉ काम नहीं करेगा, इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है लिंकेज।
और बहुत सारा क्रिटिसाइज हुआ ये रूल लॉ, इसमें बहुत सारी गलतियां निकाली लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने। इसका एक्सेप्शन पूछे तो एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। तो लिंकेज जो है ये आपका एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ है। तो मेंडल के थर्ड लॉ का एक्सेप्शन लिंकेज है, मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन क्या पढ़े थे, फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन पढ़े थे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। सेकेंड लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉन डिसजंक्शन को कभी कभी मान लेते हैं। ये खत्म हो गया मेंडल का थर्ड लॉ, हमने कंप्लीट कर डाला। अब हम बात करेंगे मेंडल का थर्ड लॉ को समझ में आ गया, क्या समझे इसमें कि आपके येलो और राउंड और रिंकल और ग्रीन करेक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मेंडल का अब आगे लॉ खत्म हो गया, तीनों लॉ पढ़ डाले। अब बात करते हैं हम बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस ये क्या होता है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक क्रॉस टेक्निक को अपनाया था, टेक्निक है मेंडल ने अपनाई थी। बैक क्रॉस नाम से मालूम चल रहा होगा आपको, बैक मतलब उल्टा तरफ ले चलना है क्रॉस को, जैसा भी हम बनाते थे उसका अपोजिट ले जाना है। तो बैक क्रॉस नाम रख दिया। और बैक क्रॉस क्या होता है, जब किसी बच्चे का क्रॉस उसके पेरेंटल प्लांट से कराया जाए, बच्चे का क्रॉस अपने उसके पेरेंट से कराए तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। जैसे ये था कैपिटल टी प्लांट, दूसरा प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये दोनों पेरेंट प्लांट हो गए। इनका कॉम्बिनेशन करा तो बच्चा कैसा पैदा हुआ F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन जो बच्चे पैदा हुए कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए ना। अब हम अगर इस प्लांट का क्रॉस इससे करा दे या इस प्लांट का क्रॉस इससे करा दे, इसके अपने पेरेंट से करा दे, उल्टे डायरेक्शन में करवा दे, तो क्या कहलाएगा ऐसे क्रॉस को, हम बैक क्रॉस कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कराया जाए, इसके पेरेंट से क्रॉस कराया जाए, इस तरह के क्रॉस को बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो बैक क्रॉस सबसे कोई पूछे क्या होता है, जब पेरेंट प्लांट का क्रॉस उसकी प्रोजिनी के साथ कराया जाता है तो इस तरह क्रॉस को बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। चाहे वो F1 जनरेशन का हो, चाहे F2 जनरेशन तक भी ले जाएंगे अगर, तो F2 जनरेशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन कॉम्बिनेशन होंगे ना। तो अगर हम इसका क्रॉस इससे करा दें या इसका क्रॉस इससे करा दें, इस तरह के क्रॉस को अगर बैक में हम कराते हैं तो इस क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे बैक क्रॉस का एग्जांपल बनाकर दिखाएं हम, ये नॉर्मल क्रॉस था, बैक क्रॉस क्या होगा, बच्चा क्रॉस पिताजी से करा दे, कैपिटल टी का क्रॉस पेरेंट हो गया, और इसका क्रॉस बच्चे से करा दे, बच्चा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हमने पेरेंट क्रॉप का क्रॉस, प्लांट का क्रॉस उसके प्रोजेनी से करा दिया तो इससे क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। और देख सकते हैं अब ऑप्शन ये है कि इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे या इससे कराएंगे, दो पेरेंट है ना, एक डोमिनेंट पेरेंट है और एक रिसेसिव पेरेंट है। अगर हम क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं, और अगर इसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसको कहते हैं आउट क्रॉस। और एक होता है टेस्ट क्रॉस, याद रखिएगा, बैक क्रॉस मतलब बच्चे का क्रॉस पेरेंट से कराना, और इसके अंदर बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। अगर हमने इसका क्रॉस बच्चे का क्रॉस प्रोजेनी क्रॉस किसे कराया, डोमिनेंट पेरेंट से कराया, तो इस तरह के क्रॉस को आउट क्रॉस कहते हैं, और अगर बच्चे का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया तो उसको कहते हैं आपका टेस्ट क्रॉस। याद रखिएगा आउट क्रॉस में किससे क्रॉस करते हैं, प्रोजेनी का क्रॉस, प्रोजेनी मतलब बच्चा, प्रोजेनी का क्रॉस किसके साथ कराते हैं, एनी डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं, एनी डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएं तो इससे क्रॉस को आउट क्रॉस कहते हैं। और यहां पर प्रोजेनी का क्रॉस किससे कराएंगे, प्रोजेनी का क्रॉस होगा प्रोजेनी क्रॉस्ड विथ रेसेसिव प्लांट, रेसेसिव पेरेंट। अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। याद रखिएगा रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे तो आउट क्रॉस, और आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस को एक साथ क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब एनी पेरेंट के साथ कराएंगे प्रोजेनी क्रॉस, तो एनी पेरेंट के साथ करा दिए अगर हम, एनी पेरेंट के साथ, देखिएगा यहां पर एनी पेरेंट के साथ प्रोजेनी का क्रॉस किसके साथ कराए, प्रोजेनी का क्रॉस
एनी पेरेंट कोई भी पेरेंट के साथ करा दे तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं, अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराए तो उसको आउट क्रॉस कहेंगे, अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराए तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। इसमें टेस्ट क्रॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस प्लांट को ही लिया है, चाहे वो होमोजाइगस स्टॉल हो चाहे होमोजाइगस ड्रॉप हो, प्योर करेक्टर को लिया, प्योर लाइन को लिया। और प्योर लाइन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, चेक करने का तरीका, टेस्ट करके देख लो। टेस्ट क्रॉस टेस्ट करने का तरीका है। अगर हमने एक प्लांट लिया है, मेरे पास देखना ध्यान समझना, मेरे पास दो पेड़ है, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक प्लांट है कैपिटल टी कैपिटल टी और एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों ही प्लांट देखने में लंबे होंगे, तो दोनों प्लांट देखने में लंबा है, मेरे पास एक लंबा सा पेड़ है। अब मैं मुझे नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, हम कैसे पता करें वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस, हम कैसे पता करें। मेरे पास एक प्लांट है लंबा दिखता है, लंबा तो दिखता है लेकिन वो होमोजाइगस लंबा है या हेटरोजाइगस लंबा है, ये कैसे पता करें। तो उसका दोनों का क्रॉस किससे करा दे, रिसेसिव पेरेंट से कराकर देख लो, स्मॉल टी से। इसका भी क्रॉस स्मॉल टी से कराकर देख लो। रिसेसिव पेरेंट से कराओगे तो एफ वन जनरेशन में अगर सारे बच्चे टॉल पैदा हुए तो समझ जाना कि आपका जो प्लांट था वो होमोजाइगस था, होमोजाइगस टॉल था। अगर आपके सारे बच्चे एफ वन जनरेशन में ऑल प्लांट टॉल हुए तो लेकिन अगर ये कंडीशन करोगे तो यहां पर बच्चे कैसे पैदा होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा कॉम्बिनेशन पैदा होगा स्मॉल टी, मतलब आधे बच्चे बड़े पैदा होंगे लंबे और आधे बच्चे छोटे। अगर आधे बच्चे लंबे और आधे बच्चे छोटे पैदा हुए, इसका मतलब था कि आपके पास जो क्रॉस था वो हेटरोजाइगस टॉल था। मतलब इसका पता इस टेस्ट से, टेस्ट क्रॉस की मदद से हम पता कर सकते हैं कि मेरे पास जो भी प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। ठीक है, अगर 50-50% कॉम्बिनेशन आया इसका मतलब कि वो हेटरोजाइगस प्लांट था, और अगर 100% प्लांट डोमिनेंट आए तो आप समझ जाइएगा कि होमोजाइगस प्लांट था। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस प्लांट को लेकर काम किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और इसके लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस टेक्निक को अपनाया था। मेंडल द्वारा अपनाई गई टेक्निक है टेस्ट क्रॉस, पेरेंट का क्रॉस उसकी रिसेसिव प्रोजेनी के साथ कर देख लो। अगर सेम करेक्ट, अगर आपको सारे करेक्टर सेम टू सेम दिखे तो समझ जाना कि आपके पास जो प्लांट है वो होमोजाइगस है एफ वन जनरेशन में। या एक लास्ट लाइन याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस में हमेशा जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आता है। जो जीनोटाइप होता है वही उसका फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग नहीं होते कभी भी टेस्ट क्रॉस में। तो टेस्ट क्रॉस की खास बात क्या है, इन टेस्ट क्रॉस ऑलवेज जीनोटाइप इज इक्वल टू फिनोटाइप। जीनोटाइप